गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ गाइज अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है, डे है संडे फंडे। तो अरे अभी मैं चाय बनाई हूँ और साथ के साथ सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी में है आलू, सोयाबीन, तो उबाल नहीं की हूँ, ऐसे ही साथ में सारा भून कर और मैं डाल दी हूँ। तो इस तरीके से बना रही हैं। यहाँ पे दूध बॉयल कर ली हूँ और किनके हॉट केस में पैसा भरा हुआ रहता है, देखिए मेरा हॉट केस पैसे से भरा हुआ है गाइस। हाँ, सबके हॉट केस में रोटी रहता है, मेरे हॉट केस में पैसे 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 हैं। और यहाँ पे है काजू कतली, जो दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये मेरी फ्रेंड देखकर आई है, फुल डब्बा था, अभी तो खाली हुआ है। नीचे भी मैं दी थी सभी लोगों को और अभी इन लोग भी खाया है, तो उसे भी पता है कि मेरे बच्चे को मतलब काजू कतली बहुत पसंद है। तो काजू कतली दी थी मुझे और मैं अभी चाय पी रही हूँ। आज है मदर्स डे, इनका मदर्स डे कम से कम 1 वीक से चल रहा है। बस बनाया था तो आज खाओगी? नहीं, उस दिन बनाया था तो। और सौर्य सिंह तो बिल्कुल हाथ से निकल गए हैं, बिल्कुल जो हाथ से निकलना कहता है ना, बिल्कुल हाथ से निकल गया है। मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, उससे पहले जाके जो एक मेरी फ्रेंड आई है उसके घर पे जाकर बैठा हुआ है। आज संडे है तो एंजॉय कर रहा है, बट आएगा तो मैं उसे अच्छी वाली डांट लगाऊंगी। फिर मना की हूँ कि बिना मम्मा को बताए हुए आप कहीं नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। सब्जी के चक्कर में मेरी चाय भी थोड़ी सी ठंडी हो गई। चलिए मैं चाय वो पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। ओके, तो भाई जी यहाँ पे फाइनली मैंने हाव खा ली हूँ। आज बहुत ही लेट हो गया मुझे काम ज़्यादा नहीं था, बट होता है ना कि थोड़ी सी आलस आ जानी, तो आलस की वजह से बहुत लेट हो गया। आज का मेरा ब्लॉग भी जो है अभी नहीं गया है, तो इसी ब्लॉग को मैं डालूंगी अभी और कुछ शब्दों के साथ, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो पहले ऑल वुमेन को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे गाइज। और मैं माँ के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ आप लोग से, जो मैं सामना की हूँ वो बोलना चाहती हूँ। देखो मुझे ना पहले मतलब मम्मी का फीलिंग तो हमेशा था, मैं हमेशा समझती थी, बट जो मैं फीलिंग मम्मी का ज़्यादा कब समझी, जब मेरे हसैन की डेथ हुई, उसके बाद जो माँ का फीलिंग होता है ना, वो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा जागा। जो मेरा दिल का बात है, अब आप लोग इस पे निगेटिव मत लेना, क्योंकि बचपन में ऐसे ऑल बॉल की तरह रही। उसके बाद मेरा तो पता है कि छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ। हसन के साथ रहने लगी, कांटेक्ट में मम्मी के साथ मैं हमेशा रही हूँ। और जो होता है कि एक माँ बेटी में कभी बहस भी हो जाए, वो मेरे और मम्मी के साथ कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है कि मैं मम्मी से अपना बहस कर लूँ या बातें नहीं करूँ, कभी ऐसा लाइफ में आया नहीं। मेरे हस्बैंड भी थे तो मेरी मम्मी का रूल था कि रोज़ कॉल पे बात करेंगी। आज भी मेरी मम्मी बिना बात किए हुए, बच्चे का हाल चाल पूछे हुए, उनको चैन नहीं होता है। जब अपना मोबाइल रिचार्ज मेरी मम्मी का नहीं होता है तो किसी का मोबाइल से कॉल करती हैं, बट करती हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा फीलिंग इसलिए समझ में आया कि ऐसा सिचुएशन में बहुत लोग मेरा साथ छोड़ दिए, बातें करना छोड़ दिए, बट एक जो माँ होती है, कैसा भी बच्चे का सिचुएशन हो, वो माँ का जो फर्ज होता है वो निभाएंगी। पुत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी कुमाता, सच्चाई है पुत कपूत होता है बट माता का जो दिल होता है गाइज, वो मैं खुद आज झेल रही हूँ। जैसे कि देख सकते हो
दोनों बच्चे के लिए ही मैं यहाँ तक आई, और अभी तक भी जो मेरा कोशिश जारी रहता है यही रहता है कि इन लोगों को कष्ट ना हो, इन लोगों को किसी चीज़ का कमी ना हो। तो ये जो फीलिंग है एक माँ बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। और मेरा जो मम्मी का सिचुएशन हुआ मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, मतलब उनके अंदर सांसें चल रही है, बस यही है, बस हर तरीके से चली गई। पहले मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, अब आप लोग देखते हो कि बिल्कुल पतली हो गई हैं उनसे तो, ताकि ज़्यादा हेल्दी मैं हूँ आज के डेट में, और मम्मी बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं। तो उनका जो टेंशन है अंदर अंदर खाए जाता है, वो टेंशन मेरे को लेकर होता है, मम्मी को, कि मतलब कैसे रहेगी, कैसे करेगी, बहुत तरह की बातें हैं, सोचते रहती हैं, रोते रहती हैं। ताकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मम्मी का आइस का भी ऑपरेशन हुआ, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो जो दर्द है अब मुझे कुछ ज़्यादा ज़्यादा फीलिंग समझ में आता है। कि देखो हर कोई, बहुत पास क्लोज लोग थे, ऐसे ऐसे लोग भी मेरे लाइफ में थे कि जिनसे मैं मम्मी से नहीं शेयर करती थी, बट कोई बात उनसे शेयर करती थी, ऐसे ऐसे लोग भी मेरे लाइफ में थे। बट सिचुएशन ख़राब होते, कुछ कुछ बहाने लेकर सभी लोग साइड हो गए। जैसे एक होता है कि ऐसे साइड हो जाओ, रिमूव हो जाओ, तो कोई गलत ना कहे, तो कुछ कुछ बातें बनाकर कि भाई उससे ये होगा कि भाई अगला पे उंगली नहीं उठेगी, मेरे पे उठेगी। तो बहुत ऐसे लोग हैं, वो तो मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहूँगी, बट हाँ उस टाइम जब सिचुएशन मेरी अच्छी थी तो हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और मैं भी हर चीज़ शेयर करती थी मम्मी से। मेरा आदत है कि मैं ज़्यादातर बात शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मम्मी को ज़्यादा दुख ना हो, मैं यही सोचती हूँ। अभी भी मैं कितना भी कष्ट में रहती हूँ तो मैं मम्मी से शेयर नहीं करना चाहती हूँ कभी भी, कि मेरी मम्मी को मेरे वजह से कष्ट हो, दुख हो। मेरी मम्मी कहीं जाती आती हैं तो उनको हर चीज़ अच्छे तरीके से, अभी भी अगर मैं वहाँ पे हूँ तो करना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हैं, मैं शादी में गई थी तो डांट कर लगाई थी कि नहीं तुम लगाओ। तो मैं ही सोची दो शब्द अपने माँ के लिए आप लोग से बोलूं कि मेरी माँ मेरी वजह से क्या क्या झेल रही है और झेलती हैं। तो एक जो माँ का रूप है गाइज, वो कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं माँ का कमी फिल वो पूरा कर सकता है। और माँ के बाद जो होता है वो अपना हस्बैंड होता है। लाइफ में दो ही लोग हैं जो आपको अच्छे तरीके से, जो अच्छे हस्बैंड होते हैं। कुछ लोग होते हैं हस्बैंड की भाई अपने वाइफ को केयर नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं, बहुत कुछ ऐसा देखती हूँ, बट नहीं, मेरे हस्बैंड जो थे बाय गॉड बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे मेरा। मैं थोड़ी सी बीमार हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा केयर करना, बट भगवान का इच्छा नहीं था कि वो मेरे साथ रहें, चुनती होगी भगवान को मेरी जोड़ी। तो चलिए यही कुछ मुझे बोलना था, और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मैं सभी से कहूँगी अपने माँ को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। एक माँ जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा आशा और सोच के साथ करती है बच्चे को। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता है धरती पे, कोई नहीं हो सकता है जो माँ का दर्द है कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो चलिए यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत लेट हो गई ब्लॉग में आज, उसके लिए सॉरी। कल से ब्लॉग टाइम पे आएगी और मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगेगी तो इनको देखिए, ये अपने माँ का बात नहीं मानती हैं, इनकी जो माँ बोलती है उससे उल्टा काम करती हैं। इनसे भी मिल लीजिए, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं अभी धरती पे जो अपने माँ का बात नहीं मानते।
क्या, सच्चाई है ये, मानती नहीं हो मेरा बात। मैं कुछ भी बोलूंगी तो करेगी नहीं। मैं बोली सौर्य को केयर करने के लिए तो केयर कम करती है, उसे पिटाई ज्यादा लगाती है, वो छोटा बच्चा है अभी, खुद आएगी स्कूल से खा लेगी कुछ बनाकर, उसे नहीं देती है। तो ये सब चीज मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। माँ का अहमियत जब पता चलेगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब पता चलेगा कि माँ क्या होती है, और तेरे तुम लोग के लिए मम्मा क्या क्या कर रही है वो भी पता चलेगा जब बड़ी हो जाओगी तब। अभी नहीं ना पता चलता है, चलेगा पता जब बड़ी होगी ना, तो पता चलेगा कि मेरी मम्मा कितना कष्ट झेल कर हम लोग को पढ़ाई करवाई है, कितना कष्ट झेल कर हम लोग को पाली है, तो पता चलेगा। तो चलिए इसे यहीं एंड करती हूँ।